बॉक्स के अंदर HP का नया लैपटॉप। जिन लोगों ने बताया HP की दो सीरीज आते, एक थोड़ा गेमिंग वाली तक 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 तक, एक आते अपना कॉलेज जाओ मस्ती करो DJ HP वालों वाला प्यार की जरूरत है, दोनों को मिक्स कर दिया। ये HP की एक पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है जिसमें थोड़े थोड़े गेमिंग वाले फीचर भी डाल दिए। हम हल्के में नहीं लेते भाई, हम इस वाले लैपटॉप को एंड में 6K वीडियो एडिट करा देंगे। खोलने के लिए रेडी है भाई वो ये एक्चुअल लैपटॉप। इसके साथ और भी कुछ चीजें आती हैं। एक 65 वाट काफी स्टैंडर्ड सा चार्जर या 3 पॉइंट प्लग लग जाता है, जो पेट में से डालोगे तो पेट से भी चार्ज जाता है। ये L टाइप का कनेक्टर है, इस साइड देखो करंट वाला बना, यहीं पे करंट डालो वो। ये है HP का नया पवेलियन 15-EG2002TU। देखो तुम्हारे मैथ्स में कितने नंबर आए थे? दे नहीं जाता डर के मारे, फेल जरूर था बट नंबर से डरता नहीं हूँ, वेरी फियरलेस। और तो परफॉर्मेंस वाइज काफी सारी चीजें हैं बट एक काफी स्लीक सी फिनिश में आ रहा है। नीचे के साइड यहाँ पे भी एक रबर पूरी है, यहाँ पे भी रबर पूरी है। ये वाला मेरे को सीधी सीधी लाइन वाले बेटर लगता है। इसकी बिल्ड मेरे को काफी हद तक एक थोड़ा ऐसे स्मार्ट ऐसे प्रोफेशनल वाले लैपटॉप में उसके लिए फीस देती है, मतलब ऑफिस खेला जाएगा भाई। पीछे की साइड पे काफी सारे छेद बना रखे, हवा पास होते हैं ना, पीछे से हवा पास करना बेटर है। क्या बात करता है यार, यहाँ पे ट्रायंगल में छोटे छेद हैं, यहाँ पे भी ट्रायंगल में छोटे छेद हैं। वैसे ही काफी स्लीक सी फिनिश। राइट साइड में पावर है, USB, और यहाँ पे आपको लगेगा किस चीज का, ये होता है किंसिंगटन लॉक। समझ लो घर में छोटा भाई है, आप चाहते हो कि बस आपके रूम में ही चले, ओनली योर रूम इज द गेम रूम, बाकी सारा इज द लेम रूम। तो इससे एक वायर डल के ना बंद जाती है, तो लैपटॉप ऐसे फिक्स हो जाएगा एक जगह। लेफ्ट साइड में एक HDMI, यहाँ पे भी USB 3 का पोर्ट है और एक USB Type-C वाला पोर्ट दे रखा है 10 Gbps वाला, तो मतलब वायर कनेक्ट करके तेजी से रफ्तार से इंटरनेट चलेगा। यहाँ पे 3.5 वाले हेडफोन जाए, और यहाँ पे अगर थोड़ा से पास से देखो तो पीछे की साइड पे से रबर कुछ लगा रखा है। आप पूछो ये क्यों लगा रखा है, तो इसको जब लैपटॉप ऐसे खोलो ना वो ऐसे उड़ जाता है ना हल्का, और ये जो एक्चुअल मेटालिक फ्रेम ये टच नहीं होता लैपटॉप पे। मैं भाई मेरे लिए थोड़ी एक दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, जब ऐसे दोनों हाथ से खोलना पड़े ना ऐसे ऐसे करके, मेरे को उसमें मजा नहीं आता। मेरे को चाहिए भाई सिंगल हाथ से, ये फुल साइज पूरा कीबोर्ड दे रखा, ये भाई स्टिकर दे रखे हैं, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए व्हाट्सएप पे कॉल, डोंट फॉरगेट टू एक्टिवेट Office 21, इंटेल कोर i5 पड़ा है, इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स। और इसमें ब्रांड ने सस्टेनेबल पैकेजिंग का इस्तेमाल करा, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ ना BNO, ओशन का प्लास्टिक यूज करा हुआ भाई। फिंगरप्रिंट्स का ना यहाँ पे दे रखा है, जो मतलब डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। इस वाले लैपटॉप का वेट डिसेंट है, एक हाथ से उठा के आराम से काम कर सकते हो। 1.7 kg स्क्रीन एक्चुअली काफी बढ़िया साइड में, लेफ्ट और राइट वाली बेजल काफी ज्यादा पतली, ऊपर की साइड 2-3 छेद है यहाँ पे माइक के, और यहाँ पे कैमरे, नीचे साइड पे ऐसे HP लिखा है फ्रंट में। भाई क्या लग रहा है, मैं जितनी देर में ऑन करूंगा कितने पुशअप कर सकते हैं? 6 तो हो ही जाएंगे भाई, की स्पीड को हल्के में ले लिया, 100 कर दूंगा, 500 पुशअप मार दिए थे भाई मैंने, बॉडी देख रहा 5-10 सेकंड में बूट अप हो गया, जो काफी तगड़ी स्पीड है। और तो साइज में काफी कॉम्पैक्ट लग रहा था, बट इसके अंदर एक फुल 15.6 इंच की स्क्रीन है, एक 1080p IPS पैनल है, और IPS स्क्रीन मतलब बढ़िया लगती है भाई। जैसे कि देख सकते हो इसमें जो डिस्प्ले है वो काफी शार्प फील हो रहा है, और जो कलर्स भी है वो काफी नेचुरल से लग रहे हैं। और मैं एकदम सीरियस से बताता हूं भाई, लैपटॉप में भाई मेरे हिसाब से डिस्प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरे दिन आप बैठ के देख रहे हो और डिस्प्ले तगड़ा तो आंखों कम इफेक्ट आता है, फिर सरदर्द भी कम रहता है। अगर डिस्प्ले बेकार है तो जिंदगी बेकार हो जाती है भाई, किसी भी एंगल से देखो, फ्रंट से साइड से, तो एंगल्स आपको अच्छे दिखेंगे। एक दो चीजें मैं लैपटॉप में और टेस्ट करूंगा कि भाई कहीं ऐसे बीच से कहीं से दब तो नहीं रहा, जब इसको खोलोगे तो ऐसे एक्चुअल कीबोर्ड तो ज्यादा नहीं दब रहा है, या फिर इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्स तो नहीं है। तो मेरे को भाई काफी स्टडी से लगा, इसका जो हिंज भी है वो भी अप डाउन वाओ। पीछे के साइड पे बड़े बड़े फैन है, मेरे ख्याल से नीचे से हवा लेता है। ये वाले 100% sRGB डिस्प्ले, जिन लोगों को नहीं पता जेठा जी और बबीता जी का जो प्यार है वो एकदम नेचुरल लगेगा। फ्लेक्स इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर की साइड पे भी एक पूरा मेटल फ्रेम है, यहाँ पे भी अगर आप हाथ वाथ रखोगे ठंडा लग, मतलब गर्मी में मेरे को सही लगता है। और जो टच पैड भी है इसमें भी कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते, तो काफी अच्छे से चला, तो काफी हद तक स्मूथ है। इस पे स्पीकर नीचे के साइड है, बट हम भाई गाना तो चला लेंगे हम, इससे पहले कॉपीराइट अटके दूसरा बजा लेते हैं। ये लेफ्ट साइड वाला स्पीकर, ये राइट साइड वाला, भाई स्पीकर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता बट एक्चुअली काफी लाउड है। बैंगन और सन ने भाई काफी तगड़ा काम करा है, और जो छेद है वो काफी छोटे से लग रहे हैं, बट जो आवाज आती है ऐसे लगता है ये भर गए हैं, मतलब पूरे दोनों कानों में बड़ी बड़ी आवाज आ रही है। बेस भी है, क्लैरिटी भी है। कीबोर्ड की अगर बात करूं तो बैकलिट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट जाती है, रंगीना नहीं मचा पाओगे। आजकल पूरी जिंदगी वीडियो कॉल पे चल रही है भाई, यहाँ पे स्कूल की टीचरें वीडियो कॉल पे आ गई, ऑफिस के अंकल आ गए हैं वीडियो कॉल पे, गर्लफ्रेंड से भी वीडियो कॉल कर। ये वाला एक्चुअल कैमरा जैसे कि आप देख सकते हो, जो कलर्स है वो मेरे को नेचुरल लग रहे हैं, मतलब बैक साइड में काफी सारी लाइट्स हैं, बट इसको भी बैलेंस करके मेरा चेहरा काफी एकदम लाइट के सामने ऐसा खड़ा हो तो ऐसा लगेगा लाइट के अगेंस्ट भी भाई मेरा चेहरा दिखा दे रहा है। वीडियो क्वालिटी 720p है, प्रो मोड में एक फीचर है ब्राइटनेस बढ़ाने वाला। लैपटॉप का वेबकैम डिसेंट लगा, मतलब आपको वीडियो कॉल ऑल करनी है तो मतलब हो जाएगा काम बढ़िया। वेबकैम के थ्रू सारी फिजिक्स आ जाएगी या बायोलॉजी। इन्होंने 2-3 चीजें डाल रखी है, टेम्परल नॉइज रिडक्शन जिससे अंधेरे में भी अगर आप वीडियो कॉल करोगे तो क्वालिटी सही रहती है, और एक एनहांस लाइटिंग करके फीचर है, तो मतलब लाइट के अगेंस्ट भी आ रहा तो वो भी सही चल रहा था। इसमें एक 41 वाट आवर की बैटरी है, और मतलब एक काफी कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप है। हमने इसमें अच्छी खासी हैवी टेस्टिंग करी थी, और 20 मिनट में 22% का ड्रॉप
हमने इसमें नोटिस करा, मेरे हिसाब से इसमें बैटरी थोड़ी बेटर हो सकती थी। बैटरी में एक तो फीचर ऐसे दे रखे हैं कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए चला लो या फिर आप बैटरी सेव ऑन करके कर सकते हो। और इसमें एक अडैप्टिव बैटरी ऑप्टिमाइजर भी है, मतलब लाइक इस पे ऐसे लगा के चलो तो जैसी बैटरी 100% पहुंचती है चार्जिंग ऑटोमेटिकली रोक देता है, तो आपको लगा के भाई 10-10 घंटे भी छोड़ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल एचपी का पवेलियन लैपटॉप और एचपी के गेमिंग सीरीज आते ओमन, इसमें एक्चुअल ओमन वाले काफी सारे फीचर भी है। एक ओमन सीरीज का लैपटॉप नहीं बट ओमन गेमिंग हब भाई गेमिंग लैपटॉप्स में आता है, और इसका मतलब ऐसे अंदर से थोड़ा सा गेमिंग वाला दिल है भाई का। सीपीयू 11% रैम 47% लग रही है। इस वाले लैपटॉप के अंदर एक i5 12th जनरेशन प्रोसेसर है, जस्ट अभी फ्रेश आई है भाई 12th जनरेशन। बल्टन के 12th जनरेशन में काफी बड़े बड़े अपग्रेड्स हैं परफॉर्मेंस में, हम देखते हैं भाई गेम इतने बढ़िया चलाता है। इससे पुराने वाले प्रोसेसर से उससे 20-25% का एक परफॉर्मेंस इंक्रीज है, जो भाई काफी बड़ी बात है। एक आइडिया देने के बताऊं तो 11th जन में जिस प्रोसेसर में 6 कोर आ रहे थे उस सेम प्रोसेसर में 12th जन में 12 कोर आ रहे हैं। इस वाले में 12 नहीं है बट प्रोसेसर की परफॉर्मेंस में डेफिनेटली इंक्रीज है। इसमें जो i5 प्रोसेसर है ये पी सीरीज वाला है, पी मतलब देखो कुछ भी हो सकता है, प्यार हो सकता है, पतला हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकता है या फिर तीनों। इसमें काफी सारे एप्स बिल्ट इन भी आ रहे हैं, एक मैकेफे डाल दिया है, इसमें एलेक्सा है जिससे आप सारे काम करा सकते हो और इसके सारे फीचर्स यूज कर सकते हो, जैसे म्यूजिक प्ले करना, अलार्म लगाना और मतलब और जो कुछ सुनना हो तो भी। एचपी क्विक ड्रॉप से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इजीली फाइल ट्रांसफर हो जाता है, बस स्टडी मटेरियल आपके लैपटॉप से ट्रांसफर करना। एक सेकंड, एचपी पैलेट करके एक ऐप भी है जो फोटो सर्च करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आपकी गैलरी में अगर फेस को सर्च करना तो इंसान की सारी फोटोज लोड हो जाती है। अभी छोटी छोटी चीजें ऐसे यूवी आई सेफ सर्टिफिकेशन है और फिर डिस्प्ले में एक ब्लू लाइट फिल्टर, इन दोनों से फायदा रहता है 10-10 घंटे भी अगर आप लेके बैठो लैपटॉप तो आंख में या सर में दर्द भाई बहुत ही कम रहता है। इसमें एक 512 GB की NVMe SSD है, जिन लोगों ने पता तेज चलती है, कितनी तेज चलते हैं मैं बता दूं, ये हमने टेस्ट करा था, रीड स्पीड आ रही थी 3000 के अराउंड, राइट स्पीड आ रही थी 1600 के अराउंड, नॉर्मल हार्ड ड्राइव में 200-200 आती है तो उससे 10 गुना फास्ट बोल सकते हो। उसी वजह से आप कोई भी गेम डालोगे तेजी से लोड होगी, ये लैपटॉप भी तेजी से लोड होता है, 3.5 तेज तेज चलती है। सिनेबेंच के स्कोर में भी सिंगल और मल्टी कोर में अच्छा स्कोर मिल जाता है। रैम भी इसमें 16 GB है, 8-8 GB के 2 स्टिक्स इसमें रैम के लग जाते हैं। हमने बेसिक टास्क ट्राई करे जैसे वर्ड, वेब ब्राउजिंग, वीडियो एडिटिंग, पर तीनों काफी आराम से हो जाते हैं। बाकी लोगों से पूछ के आता है ये लैपटॉप गेम खेल पाएगा और 6K वीडियो एडिट कर पाएगा कि नहीं, बहुत थिन लगता तो नहीं है कि झेल पाएगा, मुश्किल तो है बट चल जाएगा शायद, जितना सा लग रहा है उतना में तो लगने ना कर पाएगा। तो भाई अब टाइम आया, भाई ने चला लिया गेम GTA 5। मैंने पूरा ना इस पे वो लगा दिया है कि FPS आ रहा क्या है भाई, काफी स्मूथ चल रहा है यार। इसमें जैसे कि देख सकते हो 57 FPS आ रहा है, ठोक ठाक दी मैंने अभी 48 आ रहा है, 50 FPS के अराउंड चल रही है, जो GTA 5 के लिए भाई काफी कंफर्टेबल है। एक बार हाई करके देखते हैं, चल पता नहीं अभी नॉर्मल पे था सब कुछ, भाई CPU दिखा रहा है 80 डिग्री पे। अभी हमने ग्राफिक्स को काफी हाई कर दिया बट तब भी फ्रेम रेट काफी अच्छा रहा है, 40 FPS के अराउंड आ रहा है जो बड़ी बात। अरे हट यार बाइक पे यार, अब चलाएंगे वैलोरेंट। जैसे कि देख सकते हो भाई हम गोलियां वोलियां बरसा रहे हैं इधर उधर, जहां पे सर हमको दिखेगा वहां पे टपली बजा देंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हो गेम हमने मीडियम सेटिंग पे चला रखी है और फ्रेम रेट इस पे 75+ आ रहा है। फर्स्ट पर्सन शूटर में इतना FPS मतलब जरूरी रहता है और जो गेम प्ले है वो काफी हद तक स्मूथ लग रहा है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आ रही। और जो एक्चुअल लैपटॉप भी है वो भी ज्यादा हीट नहीं कर रहा है। इस वाले लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस का लाइफ टाइम सपोर्ट है, Wi-Fi 6 प्लस HP के एक पैलेट ऐप भी, जिसमें मतलब सर्च वर्च करना तो काफी इजी हो जाता है। तो इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। गेम के टाइम थोड़ा वॉर्म आता तो आप लैब पे रख के तो नहीं खेल पाओगे, बट अगर आपको एक्चुअल गेम्स खेलने हैं तो पिछले जितने AAA टाइटल्स हैं मतलब FPS गेम्स अगर आपको खेलनी है, CS:GO, Valorant, ये सारी गेम्स आप मीडियम सेटिंग्स के अराउंड चला पाओगे। टेबल पे रख के आप खेलते तो काफी मस्त रहेगा, क्योंकि ये ना हल्का सा उठा भी रहता है तो आपकी वेंटिलेशन बढ़िया रहेगी। गेम वेम खेली अब हम करेंगे इस वाले लैपटॉप के ऊपर, ऑल्दो कॉम्पैक्ट लैपटॉप है बट हम 6K वीडियो एडिट करके देखते हैं कैसे पहुंच। हम भाई एडिटिंग वाले भाई, हमको वीडियो बनाना, वीडियो मजा आ जाता है, लेट्स गो। ठीक, देख सकते हो अभी हम टाइमलाइन पे काफी आराम से स्क्रॉल कर रहे हैं, काफी स्मूथ परफॉर्मेंस लग रही है। इसमें हमने थोड़े बहुत इफेक्ट भी डाले हैं, थोड़ा बहुत कलर ग्रेड भी डाला है, बट जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो प्लेबैक है वो काफी हद तक स्मूथ है। ऑल्दो काफी सारे इफेक्ट अगर हम डालेंगे तो रेंडर में टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, बट एक्चुअल जो आप प्लेबैक कर रहे हो और सारी चीजें वो काफी हद तक स्मूथ फील हो रही है। और ये रेड से निकली हुई भारी भारी फुटेज है, फोटो या वीडियो एडिट करने आराम से जाता है। जितने पवेलियन सीरीज के लैपटॉप है उन सब में 100% sRGB देखने के लिए मिलता है। भाई एकदम अगर सीधा सीधा बताऊं तो इसके अंदर एक 12th जन प्रोसेसर है, 70,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई कॉम्पिटिटिव लैपटॉप है। 12th जन प्रोसेसर है, परफॉर्म अच्छा करता है, 6K वीडियो हमने एडिट करके मीडियम सेटिंग में सारी चल जाती है, बैटरी लाइफ हल्की सी बेटर होती है तो और मजा आता है। बट इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको एक थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए जो आपके परफॉर्मेंस वाले दिल को बहला के रख पाए तो ये लैपटॉप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।